दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जिसका नाम है नीरी। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये मेडिसिन यूज़ कर रखी होगी पथरी के लिए, यूटीआई के लिए, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जलन के साथ बार बार पेशाब आना, थोड़ा थोड़ा पेशाब आना। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ यूज़ करना है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे, और किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में आपको मेडिसिन के बारे में बिल्कुल सही सही जानकारी दूंगा और साथ में क्लिनिकल जानकारी भी दूंगा, जो कि आपको किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल पर या कहीं भी इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। क्लिनिकल जानकारी वो जानकारी होती है दोस्तों, जब हम किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं और उस मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट पेशेंट ने हमें बताए, क्या फ़ायदे हमें मेडिसिन ने बताए जो कि उस मेडिसिन में इंडिकेट नहीं थे, मतलब कि मेडिसिन ने बताए नहीं गए थे, वो सारी की सारी जानकारी हमें मेडिसिन के बाद में पेशेंट देता है, उसको हम कहते हैं क्लिनिकल जानकारी। तो ये क्लिनिकल जानकारी मैं आपको दूंगा होम्योपैथी दवाइयों के बारे में, आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में, अंग्रेजी दवाइयों के बारे में और यूनानी दवाइयों के बारे में, और मैं कुछ ऐसे फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपनी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, आपकी बीमारी पूर्णतः खत्म हो सकती है। तो नीरी, नीरी के बारे में आज हम बात करते हैं। ये गुर्दों के लिए और पेशाब के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है जो कि एक आयुर्वेदिक कंपनी बना रही है। इसमें लिखा हुआ है इज सेफ एंड किडनी फ्रेंडली फार्मूला। ये किडनी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके जो यूज़ हैं इसके यहाँ भी बताया गया है, इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे इसको दे सकते हैं। पेशाब अगर आपको कम आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, शरीर पे सूजन है, हाथों और पांव पे सूजन है, चेहरे पे सूजन है, एंसार का अगर आपके पूरे शरीर पे सूजन है और पेशाब में आपको बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस मेडिसिन को लेने के बाद भी अगर आपकी सूजन नहीं जाती है तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि वो सूजन आपके हार्ट की वजह से भी हो सकती है और आपके लीवर की वजह से भी हो सकती है। अगर आपके पेशाब में इन्फेक्शन है और पेशाब में जलन हो रही है तो आप ये मेडिसिन लें और साथ में एक रूटीन चेकअप कराएं पेशाब का। रूटीन चेकअप में आपको मिलेगा कि कितना एल्ब्यूमिन जा रहा है, कैल्शियम जा रहा है, या कोई और बैक्टीरिया जा रहा है, या पस सेल कितने जा रहे हैं, या ब्लड कितना जा रहा है, वो सारी की सारी जानकारी आपको रूटीन चेकअप में मिलेगी। एक हफ्ता इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद में फिर से आप वो रूटीन चेकअप कराएं। अगर उससे आपको लाभ मिलता है, अगली रिपोर्ट में अगर वो कम नज़र आते हैं आपको, तो ही आप ये मेडिसिन कंटिन्यू करें। अगर वो कम नज़र नहीं आए हैं या बहुत मामूली से कम हुए हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनको बताएं कि आप ये मेडिसिन ले रहे हैं। तो ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी है दोस्तों, तो डॉक्टर इसको मना नहीं करेगा लेने के लिए, बट साथ में इसके आपको कुछ और फॉर्मूला भी देगा जिससे कि आप अपने यूटीआई से, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जल्दी जल्दी छुट्टी पा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा यूज़ होता है इसका दोस्तों पथरी में। पथरी के पेशेंट, अगर मान लीजिए पथरी आपकी इटक गई है नली में, तो ये उसको बाहर निकाल देती है। ये गुर्दों से पानी ज़्यादा बनाती है और पेशाब को ज़्यादा बनाती है और पेशाब को बाहर धकेलती है। इस मेडिसिन का काम ये है। तो अगर आपको पथरी इटक गई है नली में, तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। और छोटी पथरी, 1 से लेकर 6 mm की तक की पथरी को ये बहुत जल्दी निकाल देती है। बहुत जल्दी से मतलब मेरा मतलब है कि बहुत जल्दी ये आपकी पथरी को रिमूव कर देगी। तो बहुत सारे दोस्तों ने इसको यूज़ भी किया होगा और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट भी उनको मिले होंगे। जिन दोस्तों को इनके रिज़ल्ट मिले हैं और कितने दिन में उनकी पथरी, कितने एम की पथरी इससे दूर हो गई है, तो वो कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट इसका ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, लेकिन इसके जो लेने का तरीका है, अगर आपको सूजन है और आप ये मेडिसिन ले रहे हैं और किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, या पेशाब में अगर लगातार एल्ब्यूमिन जा रहा है और इस मेडिसिन को लेने के बाद आपका एल्ब्यूमिन कम नहीं हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपने निकटवर्ती डॉक्टर को दिखाएं और उससे सलाह लें कि ऐसा क्यों हो रहा है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने सजेशंस मुझे आप दीजिए, और अच्छी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।